गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू विल ऑल बी ओके। आज मैं आपको जमात दौंगी मजमून उर्दू पढ़ाऊंगी। आज का हमारा उनवान है जुमले की इकसाम। जुमले लास्ट में हमने पढ़ा था जुमला क्या होता है, लफ्ज़ों का ऐसा मजमूआ जो हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए उसको जुमला बोलते हैं। आज हम जुमले की इकसाम पढ़ेंगे। जुमले की तीन इकसाम होती हैं, मस्बत जुमले, मनफी जुमले और सवालिया जुमले। मस्बत जुमले वो होते हैं जिसमें हम बात को प्रॉपर तरीके से करते हैं, उसमें किसी किस्म का भी कोई भी इजाफा या कुछ भी नहीं करते। मनफी जुमले में हम नहीं का इस्तेमाल करते हैं, और सवालिया जुमले में हम क्या का इस्तेमाल करते हैं और आखिर में हम सवालिया निशान लगाते हैं। जैसे मस्बत जुमले कौन से हैं? परिंदे हवा में उड़ते हैं। मनफी जुमले परिंदे हवा में उड़ते नहीं हैं। सवालिया जुमले में क्या परिंदे हवा में उड़ते हैं? नंबर दो, आसमान नीला है, उसके आखिर में हम देखें खत्मा का निशान लगाते हैं और आसमान नीला नहीं है। मनफी जुमले में हम नहीं का इस्तेमाल करते हैं। सवालिया जुमले में सबसे पहले क्या आसमान नीला है और आखिर में हम सवालिया निशान लाजमी लगाते हैं। इसी तरह अली सच बोलता है, अली सच नहीं बोलता है, क्या अली सच बोलता है? वक्त पर स्कूल जाओ, वक्त पर स्कूल नहीं जाओ, क्या वक्त पर स्कूल जाओ? अब आपने सफा नंबर 13 और 14 की सरगर्मियाँ हल कर ली है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप ऑल विल ऑल बी ओके। आज मैं आपको जमात दोम की मजमून उर्दू पढ़ाऊंगी। आज का हमारा उनवान है फेल। फेल किसे कहते हैं? वो लफ्ज जिसमें किसी काम का करना या होना जाहिर हो फेल कहलाता है। जिसमें मसलन खाना, सोना, दौड़ना, देखना, पढ़ना, भागना, ये सब क्या चीज़ें हैं कि आप लोग इसको काम कर रहे हो, यानी आप खाना भी खाते हो, सोते भी हो, दौड़ते भी हो, देखते भी हो, पढ़ते भी हो, जागते भी हो, इन सबको हम फेल कहते हैं। अब आपने सफा नंबर 19 और 20 की सरगर्मी हल करनी है।